इसलिए कार्तिकेय की माँ का संयोग गंगा को दिया जाता है। न्याय देखा आपने देवाधिदेव महेश्वर का, अगर विवाह के बाद सती को एक पुत्र का फल, तो त्याग के बाद गंगा को भी एक पुत्र का फल दे दिया। इसे कहते हैं देवाधिदेव महेश्वर। रुक्मिणी ने विवाह किया है, सत्यभामा ने विवाह किया, राधा ने विवाह नहीं किया, लेकिन आप बताइए रुक्मिणी श्याम कहते हैं सत्यभामा श्याम कहते हैं, रुक्मिणी के समरिया कहते हैं, अरे यहां तक प्रमाण है कि अगर राधा ना हो तो कांधा का भोग भी नहीं स्वीकारे, है ना? के राधा जन्म ना हो तो वृषभान विचारो रो तो। राधा का जन्म श्याम का पूरक है। अस्तु, त्याग से ही कीर्ति मिलती है ना? पुराने समय की व्यवस्था थी, पहले चर्चा है, फिर पर्चा, बाद में खर्चा। शर्मा जी, पहले कोई कार्य करते थे तो पहले चर्चा, फिर पर्चा, बाद में खर्चा। अब उल्टा नहीं हो रहा है, अब पहले खर्चा, फिर पर्चा, उसके बाद में चर्चा। कहने का मतलब है कि त्यागी प्रिय, प्रिय परित्यागी ममो देही। राधा ने विवाह नहीं किया, फिर भी कन्हैया की हो गई। और मीरा की बात करें, जो मेवाड़ राजस्थान से चली है, मीरा का विवाह होने वाला है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि कभी भी भक्ति मार्ग पे जो लोग चलते हैं, उनके आलोचक पहले खड़े होते हैं। राणा, भाव कितना सुंदर था। मीरा से मीरा की सखियों ने कहा, अरे मीरा तू लड्डू खा ले। बोला मुझे तो श्याम मीठा लगता है। बोला नाम क्या है तेरा? बोले श्याम। बचपन से ही मीरा, मीरा नहीं श्याम जैसे रहती थी। गुरु रविदास की शिष्या, लोगों ने कहा ब्याह करवा ले। बोले मेरा पति कौन है तुम्हें पता है? ओ क्या सुंदर भाव। कहे मेरे तो गिरिधर गोपाल,
काल दूसरो ना कोई ब्याहते हुआ है राणा से, राणा राजपूत वर्ण का कुछ व्याख्यान करते हैं जरा सा, क्योंकि हम जहां बैठे हैं सत्य की गादी है, क्षत्रिय होता है ना, क्षत्रिय का स्वभाव हमेशा रोष भरा रहता है, उसका यहां प्रमाण दिया गया कि अगर वो 100 पे क्यों ना हो और नाक पे मक्खी बैठ गई तो बात आखिरी वाली ही करेगा। क्षत्रिय का वर्ण रक्त का प्रभाव है, ब्राह्मण मृदुभाषी होता है, हर स्थितियों में समझ के जीता है, शूद्र का स्वभाव मलिन हो। लेकिन क्षत्रिय का मूल कर्म क्या है? क्षत्रिय का साधारण सा उपमा दिया जाए, छतरी, जैसे हम धूप में बारिश में छतरी लगा के अपने आप को बचा लेते हैं, ऐसे क्षत्रिय का धर्म होता है गौ रक्षा के लिए आगे बढ़ जाना, असहाय ब्राह्मणों के लिए आगे बढ़ जाना, धर्म रक्षण के लिए आगे बढ़ जाना, क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। जैसे राम बालावस्था थी, दूध के दांत, दांतों की बात चले तो आपको पता है दांत कितने निकलते हैं, पहले दूध के दांत निकलते हैं वो टूट जाते हैं, फिर दूसरा निकलता है, तीसरा शादी के बाद निकलता है, उसको अक्कल दांत बोलते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है भाई जी कि दाढ़ आपके होते हैं, हर इंसान के होते हैं, लेकिन अक्कल तो उस पक्ष से आती है। एक शिष्य ने पूछा, महाराज संत जो हैं वो भी इंसान है, उनको अक्कल दाढ़ नहीं आती? आती है ना भाई, आपको आती है उधर से अकल, तो माँ बाप से दूर होकर नया संसार बना लेते हो, बाबा को आती है तो घर भूख करके समाज सेवा में चला जाता है, दांत तो उसको भी आता है। राणा, राणा ने अनेक तरीके से प्रयास किए हैं नहीं, लेकिन मीरा रात दिन उसी के भाव में लगी रही है कि जा ही बिठाए कहां मैं बैठूं, जा दे रे सोई खाऊं, जा ही बिठाए को कितने कष्ट दिए, सुरंग में रख दिया, तुरंग में रख दिया, हाथी का भय दिया, सर्प का भय दिया, लेकिन मीरा हमेशा अपने कन्हैया सवरिया को स्मरण करती, अंत में विष का प्याला दे दिया। मीरा की एक छोटी सी कल्पना स्मरण आती है कि
जहां मीरा कुएं से पानी भरती थी ना, पास के गांव में आग लग गई। पानी भरने गई थी, पानी लाने में लेट हो गया। लोग बोले पानी लेकर क्यों नहीं आए, बोले पास के गांव में आग लग रही थी। तू यहां से बुझा रही थी, बोले हाँ। आप समझे इसका भावार्थ? नहीं, कि जब कभी इस हृदय में अग्नि जल बैठे काम के, वेद के, विकार की, तो भक्ति रूपी जल से इसे सिंचित कर दो, तृप्त हो जाओ। मीरा ने कहा ये ठीक है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। जो करे प्रभु वो मेरा है ना, बस वो जो करेगा मेरे भले के लिए करेगा, इतनी तो सोचना है जीवन में। वो मेरा परमात्मा है जो करेगा। अब यहां बात दो आती है, ध्यान दें। भगवान राम की कथा में ऐसे तो हजारों संस्थाएं, लेकिन दो संत ऐसे थे जो पैरेलल पैरेलल चलते रहे। हजारों संत है ना, लेकिन दो संत पैरेलल चलते रहे। उसमें से एक कहता है क्या, ध्यान देना पंक्तियों पे, कि हुई यही सोई जो राम रचि राखा को करी तरक बड़ा वही साखा। खंडन कर दिया, ये बात गलत है। उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथै, उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमे नहीं सिद्धंती, मेहनत से कार्य सिद्ध होता है, इच्छा रखने से नहीं। चाहे जंगल का राजा शेर क्यों ना हो, हिरण मुख में चलता नहीं। दूसरे संत ने कहा नहीं, राम जो करेगा वो स्वाभाविक है, भाग्य आपके समक्ष थाली लाएगा, भोजन करना तो कर्म है। अहम कर्माणाम दोतका हस्तौ कर्माणाम दोतका, इस हाथ से कर्म नहीं करोगे तो नश्वर हो जाए। दूसरे संत ने कहा, मैं उसका खंडन करते हुए, कि कर्म प्रसन्न ध्यान रखिए कि आज अगर आपसे किसी चीज की दूरी है तो आपने पहले उसे दूर किया है। आज अगर आपका अपमान है तो आपने पहले किसी का अपमान किया है, क्योंकि जीव जीवाश्म जायन्ते। दूसरे महात्मा ने कह दिया नहीं, कर्म प्रधान है, रामचरितमानस ना वेद है ना पुराण है। रामचरितमानस की गणना ना वेदों में है ना पुराणों में, सबका सार अमृत है। हर बात को बड़े अस्पष्ट वादिता से कहे गोस्वामी जी, पंक्तियों पे ध्यान देना। एक तरफ कहते हैं कि राम नाम कही जे जमुआ, जो हर सांस में राम का नाम लेता उसके यहां पाप तिनके के समान नहीं होता। लेकिन दूसरी पत्ती खंडन कर रही है,
दूसरी पंक्ति कहती है कि कोटि कोटि नर कोटि कोटि नर यतन कराई अंत राम कही आवतना बिनु सतसंग विवेक न हो अगर आप हर श्वास में हरि नाम स्मरण करते हो तो आपके यहां पाप पुंज यानी तिनके के बराबर नहीं है। वही दूसरी तरफ कह दिया कोटि कोटि नर यतन कराही सहस्त्र कोटि आप यंत्र कर लो प्रयत्न कर लो लेकिन अंत समय मुख से राम नहीं आता। और सत्संग भी किसी के बाप की बपोती नहीं है, जब तक हरि कृपा नहीं हो कोई ले नहीं सकता। तो सठ सुधरही सत्संग के लाभ क्या है, सठ सुधरही सत्संग यानी मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाता है सत्संग में आने के बाद। जैसे पारस के स्पर्श से कुधातु यानी लोहा सोना बन जाता है, लेकिन बीच में अगर पर्दा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पारदर्शिता चाहिए। हमारे संतों ने जितनी भी बातें करी वो अनुचित नहीं, हम पढ़ नहीं पाते रामचरित। अब हमसे काफी लोग जब जाते हैं कहीं तो स्वामी जी आप कौन कौन सी कथा करते हो, लोग पूछते हैं स्वामी जी अभी बालाजी सारासर राजस्थान में कथा हुई, हरियाणा में हुई, दिल्ली में हुई, बहुत जगह कथाएं हुई। तो लोग पूछते हैं स्वामी जी आप जो है कौन कौन सी कथा करते हो। मैंने साधारण सा जवाब दिया मैं हरि कथा करता हूं। हरि अनंत हरि कथा अनंत। अरे नहीं नहीं नहीं, जैसे भी होते हैं ना स्वामी जी, जो राम कथा करता वो भागवत नहीं करता, जो भागवत करता वो देवी भागवत नहीं करता, देवी भागवत जो करता वो शिव पुराण नहीं करता, तो आप कौन सी करते हो। मैंने बोला ऐसा है मैं हरि कथा करता हूँ, इसलिए हर कथाओं का व्याख्यान करता हूँ, वो भी बिना मूल्य के। होता है ऐसा, जो राम कथा करे ना वो भागवत नहीं कर पाते, और जो शिव पुराण करे वो देवी भागवत नहीं कर पाते। लेकिन भगवती ने ब्रह्मांडपुरी में आकर के बैठ जाना है और मैं सभी कथाएं करता हूँ। एक कथा नहीं, देवी भागवत उसी तरीके से होगी, आपको लगेगा जैसे यहां लग रहा है, राम कथा वैसे ही।